मध्य प्रदेश के मुरैना में जोरा पुलिस ने 8 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा किया है। चोरी हुए 3 लाख के जेवरात के साथ साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मुरैना पुलिस अधीक्षक ललित साकवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया एवं अनुभागीय अधिकारी जोरा मानवेंद्र सिंह कुशवाहा के निर्देशन में चोरी, लूट, डकैती, संपत्ति संबंधी अपराधों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 8 दिन पहले आवेदक रामनिवास शर्मा पुत्र शुक्लाल शर्मा, उम्र 38 साल निवासी गोकुलधाम कॉलोनी जौरा के घर से चोरों ने चोरों की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें घर में रखे 3 लाख के जेवरात भी चोरी हुए थे। मामले की सूचना उपस्थित थाना आकर आवेदक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जौरा में दिनांक 2 और 3 तारीख को रामनिवास शर्मा जी हैं, अपने हेलीपेड ग्राउंड के पास उनका मकान है, उनके यहाँ रात में नकब देने लगे हुए, सोने चांदी के करीब 3 लाख के गहने चोरी हुए थे। इसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ 333/21/57 और 380 ITC के तहत अपने मुकदमा दर्ज कर चोरी का पता रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है थाने द्वारा। इसमें मैं कल शाम को मुखबिर सूचना पर और पुलिस के लगातार किए गए प्रयासों के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे चोरी के संबंध में जितना माल हुआ था 100% रिकवरी उसमें की गई है। 3 लाख का पूरा माल उनसे जोरा में दिनांक 2 और 3 तारीख को रामनिवास शर्मा जी हैं, अपने हेलीपेड ग्राउंड के पास उनका मकान है, उनके यहाँ रात में नकब देने लगे हुए, सोने चांदी के करीब 3 लाख के गहने चोरी हुए थे। इसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ 333/21/57 और 380 ITC के तहत अपने मुकदमा दर्ज कर चोरी का पता रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है थाने द्वारा। इसमें मैं कल शाम को मुखबिर सूचना पर और पुलिस के लगातार किए गए प्रयासों के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे चोरी के संबंध में जितना माल हुआ था 100% रिकवरी उसमें की गई है।